नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पकड़ा किसका, शाहरुख खान का या संजय खान का? रीवा के सिविल लाइन थाने में एक अनोखा मामला निकलकर सामने आया है। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद कल मनाया जाएगा, लेकिन आज एक बकरे का विवाद निकलकर सामने आया। बकरीद के पहले संजय खान और शाहरुख खान के बीच बकरे को लेकर जमकर विवाद हुआ। दोनों पहुंच गए शिकायत लेकर रीवा के सिविल लाइन थाने। पुलिस ने बकरे को भी थाने में बुला लिया है। मामले की जांच करके जिसका भी बकरा होगा देने की बात कह रही है। रीवा में बकरे के दो मालिक, बकरा एक मालिक दो, आप जरूर चौंक पड़ेंगे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ हुआ ऐसा ही। रीवा के पंदर कॉलोनी के रहने वाले संजय खान कहते हैं उन्होंने एक बकरा बचपन में ही पाला था, उन्हीं के घर में वह बकरा पैदा हुआ था। लेकिन पिछले साल 7-8 माह पहले बकरा चोरी हो गया। बकरे को उन्होंने कई जगह तलाशा, लेकिन आज बकरा मिला है। अब वह बकरा अपना मांग रहे हैं। वहीं बकरा खरीदने वाला दूसरा पक्ष यानी शाहरुख खान का कहना है यह बकरा उन्होंने रीवा से मनगवा जाते समय काफी पहले 15,000 रुपए में खरीदा था। बकरा उनके घर में काफी दिनों से पला हुआ था। अगर बकरा मैंने चुराया होता तो मैं इसके पहले ही काट देता। मैंने पाला है, मैं इसको अपने साथ अपनी कार में घुमाता हूँ, बस स्टैंड भी ले जाता हूँ जहाँ मेरी दुकान है। जिसके चलते शिकायत लेकर दोनों ही पक्ष सिविल लाइन थाने में पहुँच गए और बकरे के मालिक होने की अपनी अपनी दलील पेश की। हमने पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन थाने के TI साथ ही दोनों बकरे के मालिक जो अपने को कह रहा थी, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। संजय खान, ये बकरे क्या विवाद? ये हमारे घर से 7 से 8 महीने पहले चोरी हो गया था बकरा, तो जिसकी हम बहुत जगह ढूंढने ढाने है ना, जब हमको बकरा हमारा नहीं मिला तो फिर हम ढूंढना छोड़ दिए कुछ दिन बाद। अब एक दिन हम अपने चाचा के घर जा रहे थे तो रास्ते में ये एक घर में बंधा हुआ था बकरा। बाहर, घर के बाहर बताओ। घर के बाहर है, बंधा रहा, यह है आप बता रहे हैं। नहीं, घर के बाहर बंधा हुआ था तो हम इसके पास गए, हम देखे ये मेरा बकरा था, तो हम वही आए हैं अब थाने। आवेदन दिया क्या थाने आपने? हाँ, आवेदन दिया है हमने थाने में। कब दिया? तो ये बताइए आप कैसे पहचाने आपकी आती? हमारे पास बकरे की फ़ोटो है, हमारे घर में ये पैदा ही हुआ है तो फ़ोटो तो है हमारे पास पहले की ही। पहचान हुई? हाँ, फ़ोटो से पहचान हुई हमारी। क्या नाम है? संजय खान। मेरा नाम है शाहरुख खान। बकरे का मामला सर ये है कि मैं और मेरे दोस्त सबको ही जा रहे थे, मैं ये मनगवा तक सबको जा रहे थे घूमने ऐसे ही, तो एक बकरा हम लोग को मतलब झुंड में, मतलब हम लोग को ये बकरा, हम लोग गाड़ी रोक के हम लोग बोले भैया ये बकरा कितने का दोगे, ये है वो है, मतलब काफ़ी देर तक बात हुई। उसके बाद ये बकरा हम लोग को अच्छा लग गया सर। जब बकरा ये अच्छा लग गया तो मैंने घर फ़ोन लगाया मम्मी लोग को, भैया लोग को पूछा भैया इतने का बकरा मिल रहा क्या, ले लें हम लोग, तो भैया कहें फ़ोटो भेजो। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग बकरा की फ़ोटो नहीं भेजे उतने में होता, फिर भैया कहेंगे ले लो, तो हम लोग सर अच्छा लगा, तो हम लोग पैसा सब कुछ रखे थे तो हम लोग सर ले लिए थे। और सर रही बात चोरी की, अगर सर चोरी का बकरा होता तो मैं साल भर से पाला हूँ, बकरा कभी बाहर नहीं निकालता, ना फेसबुक में डालता, ना इंस्टा में डालता, ना व्हाट्सअप में डालता सर, डेली मैं बकरा टहलाता हूँ अपना, जो कि हमारा बकरा ये बस स्टैंड तक मेरा बकरा आता था सर, बस स्टैंड तक मैं अपने कार में लेके आता था, वहाँ दिन दिन भर टहलाते थे, मतलब दुकान ही पास मेरे सब कुछ करते थे सर जी। ये सर मैं 15,000 रुपए के लिया था सर। फोटो दिखाया है जो, जी सेम जो फोटो दिखाया है जी सर, सर फोटो तो मेरे घर पास खींचे हैं, ये फोटो मेरे घर पास खींचे हैं फोटो जी। और अगर करेंगे घर में सर, घर के बाहर बंद रहता है सर, सर घर के बाहर बंद। और अगर सर ऐसा होता चोरी का होता सर, तो मैं ना इंस्टा में डालता, ना व्हाट्सअप में डालता, ना फेसबुक में डालता सर, है ना। और रही बात मैं बाहर बांधता नहीं, कब खरीदा था? मैं 1 साल पहले लिया था, और भैया का 6-7 महीने पहले चोरी हुआ है। अब कहाँ हैं आप लोग जी? अब कहाँ आए हैं? अब तो ये सिटी कोतवाली में आए, वो सिविल लाइन थाने में आए हूँ जी। फैसला हुआ अभी? अब सर अब फैसला अब इसमें सर बताइए क्या फैसला हो सकता है इसमें, आप बताइए। और कर हमारा त्यौहार भी है सर, अगर सर चोरी का, सबसे पहली बात तो अगर सर चोरी का बकरा की कुर्बानी जायज नहीं होती, ये चीज़ आप लोग को भी पता है। अगर सर चोरी का होता
तो मैं मेरे घर में भी फंक्शन काफ़ी बड़ा फंक्शन था सर, तो मैं फंक्शन में कटवा देता अगर हमको पता रहता कि बकरा चोरी का है। अगर सर अब ये हमको पता है ना कि मैं खरीद के ला रहा हूँ सर, अगर ये होता तो मैं सर कुर्बानी के लिए इसीलिए ना रखा हूँ सर कि मैं खरीद के लाया हूँ, और चोरी का होता तो मैं फंक्शन में कटवा देता सर। आईडी लेना तो क्या निर्णय लेंगे आप और क्या देखने मिला अभी तक इस मामले में? एक आवेदन प्राप्त हुआ था, संजय खान है, उनका कहना है कि मेरा एक बकरा 6-7 महीने पहले चोरी हो गया था जो एक अन्य व्यक्ति के पास बंधा हुआ है। उस बकरे को थाने ला लिया गया है, दोनों ही पक्षों को थाने में तलब किया गया है कि अपने बकरे के संबंध में जो भी प्रमाण है, दस्तावेज हैं, फोटोज़ हैं या अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें, जिसके संबंध में प्रमाण प्राप्त होंगे, पजेशन के संबंध में या उसके ओनरशिप के संबंध में उसे बकरा सुपुर्द किया जाए। तो दोनों पक्ष तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, दोनों एक ही डिजाइन की तस्वीरें हैं, ऐसे में दस्तावेज तो कुछ उनके पास आएंगे तो कैसे निर्णय होगा? तस्वीरों को हमने अभी देखा है प्रथम दृष्टया, इनका कहना है कि हमने अपने कैमरे से खींचा है, लेकिन जो इनके इसमें तस्वीर है व्हाट्सएप से कहीं से प्राप्त हुई अभी लेटेस्ट 2-3 दिन में, बकरों के साइज भी एक जैसे हैं। अगर 7 महीने पहले की तस्वीर है, निश्चित तौर पे जानवरों में 7 महीने में काफ़ी अंतर आता है। हर तथ्यों को नज़र रखा जाएगा और जैसे भी पजेशन के संबंध में डॉक्यूमेंट प्राप्त होंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। सर, माना ये जाता है कि ईद उल अजहा के त्यौहार में जो कुर्बानी दी जाती है वो मतलब आपके मेहनत की कमाई हो, ऐसे में दो दावेदार है, कोई एक झूठ बोल रहा है? निश्चित तौर पे, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तथ्य की जांच की जाए। तो सर ये कुर्बानी करेगा कौन कुछ अभी तक? तत्काल जांच की जाएगी और जांच के बाद चूंकि किसी न किसी एक का तो है, दोनों का हो नहीं सकता, इस तथ्य का परीक्षण अति आवश्यक है। ठीक है।